कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया, आपने पाले खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम लिया ना, किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, कहीं सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार पहनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर मत तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी हाउस कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप कब जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं सच नहीं कहा, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ बोली की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। मैं सच नहीं है, वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था और यही नहीं 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं और मैं फिर इस बात को मैं कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम